हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेयर ऑफ कोड। आज वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में क्यूआर कोड कैसे जनरेट कर सकते हो और इसको कैसे बनाना है, पूरे कैसे देखते हैं। सो उसके लिए मैं एक सीनरी तैयार कर लेता हूँ। पहले मैं लेता हूँ इनबॉक्स लेता हूँ, जहाँ पर अपने किसी भी वेबसाइट का लिंक आप वहाँ पर पेस्ट करोगे और जैसे सबमिट करते हो आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक सीनेरियो क्रिएट कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ अपने app.jsx पे और एक कमेंट तैयार कर लेता हूँ क्यूआर कोड के लिए, जिसका मैं नाम रखता हूँ मैं qr code.jsx। और एक कंपोनेंट तैयार कर लेता हूँ ऐप में और इसको ऐप में इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं सिंपली क्यूआर कोड, और मेरा ये मेरा कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो चुका है इसमें, सॉरी इंपोर्ट कर लिया मैंने, इसको इंक्लूड कर लिया। अब मैं इसके अंदर एक इनपुट बॉक्स लेता हूँ, जहाँ पर यूजर अपना लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेगा। मैं पास करता हूँ URL, इसके स्टेट को मैनेज करना होगा मुझे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ const और URL set URL इक्वल टू यू स्टेट, और इसकी इनिशियल्स की वैल्यू क्या होगी, प्लैंक होगी। और मैं पास कर देता हूँ नेम, ये हो जाएगा मेरा URL। इसको मुझे हैंडल करना है तो मुझे चाहिए होगा वैल्यू, जिसकी वैल्यू होगी मेरी URL जो कि मेरे स्टेट से आ रहा है। और ऑन चेंज भी चाहता हूँ मैं, जैसे मैं टेक्स्ट को चेंज करता हूँ मैं, इसकी वैल्यू भी मुझे स्टोर करानी है। तो सेट URL मेथड का हेल्प लेके मैं इसकी वैल्यू को URL स्टेट में होल्ड कर लूँगा मैं e.target.value। अब मैं इसकी वैल्यू को स्टोर करा पा रहा हूँ मैं। लिख लेता हूँ फॉर्म, फॉर्म कर लेते हैं क्लोज, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और यहाँ पास करता हूँ प्लेस होल्डर एक, इंटर जो URL टू जनरेट QR कोड। सेव कर लेते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। मुझे यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स में मिल चुका है, और मैं अब करता क्या हूँ, मैं एक लेता हूँ सबमिट बटन, मैं पास करता हूँ इनपुट, इनपुट जिसकी टाइप होगी सबमिट, इनपुट जिसकी मैंने टाइप दे दिया है सबमिट। जैसे ही फॉर्म को सबमिट करता हूँ मैं, और यहाँ पास करता हूँ वैल्यू, जो वैल्यू होगा मेरा जनरेट क्यूआर कोड, और इसको मैं सेल्फ क्लोज कर लेता हूँ मैं। और एक बनाता हूँ मैं ऑन सबमिट, जब कोई फॉर्म सबमिट करता है तो उसमें मुझे हैंडल भी करना है, तो मैं पास करता हूँ हैंडल सबमिट, सबमिट कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेता हूँ हैंडल सबमिट। और मेरा ये हैंडल बन के तैयार हो गया है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। यहाँ पे कर लेता हूँ एक अलर्ट, जिसको मैं पास करता हूँ ओके, सेव। और यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो पहले बोल रहा है मैं ये कि आप URL टाइप करो। सो मैं की URL टाइप कर लेता हूँ मैं, ये मेरी वेबसाइट की URL है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ जेनरेट QR कोड, तो मुझे ओके प्राप्त हो रहे हैं। अब बारी हमें QR कोड की लॉजिक को समझने की, QR कोड कैसे बना रहे हैं हम। तो सिंपली चलते हैं गूगल पे और सर्च कर लेते हैं गूगल चार्ट QR कोड, और इसके पहले लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ मैं। और सिंपल सा ये बनाया है कि आपको कैसे जनरेट करना है QR कोड। एक इसका रूट URL है, और आप इसे पास करना है चार्ट का टाइप क्या होगा, उसका हाइट एंड विड्थ क्या होगा, और उसके अंदर डेटा क्या पास करना आपको है,
उसकी इनकोडिंग क्या होगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। तो इससे पहले मैं एक सिंपल सा एक स्टैटिक, मैं एक इस कोड को मैं जनरेट कर लेता हूँ मैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर इसके अंदर यूआरएल जो होगा डायनेमिक यहाँ पे हम उसको जनरेट करेंगे। सो मैं यहाँ पे इसका रूट यूआरएल में कर लेता हूँ कॉपी, और इसको मैंने कर लिया कॉपी कंट्रोल सी, और यहाँ मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ मैं। ओके सो फर्स्ट इसके अंदर पैरेटर पास करना मुझे है चार्ट का, जो कि इसको आपका रिक्वायर्ड ही है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये रिक्वायर्ड है कि ऑप्शन लें, तो आपको ये पास करना कंपलसरी है। तो आपने इसको पास कर लिया, और मैं एंड का इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो इसकी हाइट और विथ क्या होने वाली है आपको वो पास करना है। तो मैं चार्ट साइज में डिफाइन कर लेता हूँ 180 बाई 180, ये मेरा चार्ट साइज हो गया। अब इसके बाद मेरा है ये है डेटा, चार्ट का डेटा जो होना है वो यहाँ मुझे पास करना है। तो मैं पास कर देता हूँ मैं चार्ट का डेटा, जो भी आप पास करना चाहते हो। मैं पास करता हूँ अभी के लिए https://www.playeroutcode.in, सेव कर लेता हूँ मैं। और मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, मुझे एक क्यूआर कोड बन के मिल चुका मुझे, मैं एक बार स्कैन कर लेता हूँ उसको मैं। और मैं फ़ोन लेता हूँ मैं, और उसको मैं स्कैन कर लेता हूँ स्कैनर। आप भी स्कैन कर सकते हो लाइव। हाँ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। बस इसी स्टैटिक डेटा को मुझे डायनेमिक करना है। सो जो मेरा पार्ट है डायनेमिक का, वो मेरा ये यूआरएल है, ये जो मेरा यूआरएल मेरा ये है, इसके अकॉर्डिंग मुझे इसको परफॉर्म करना है। सो मैं एक कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ कि जब मेरे स्टेट पे यूआरएल हो तभी ये कोड, इमेज वाला कोड वर्क करे। तो मैं इसको कर लेता हूँ कट यहाँ से, और इसको मैं इस अपने यूआरएल पार्ट में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जब आपके पास कोई यूआरएल यहाँ पे ऐड करोगे आप, तभी आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा। सो अभी तो मैंने ये कर लिया, अभी मैं कोई यूआरएल टाइप करके सबमिट करता हूँ। और मैंने यहाँ पे टाइप किया लेट्स सपोज समथिंग, और जनरेट कर दिया। तो मेरा ये वर्क कर रहा है प्रॉपर, मैंने कोई गलत लिंक पेस्ट किया, डोंट वरी। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। सो मेरा एक क्यूआर कोड यहाँ पे आ रहा है, मुझे जनरेट पे क्लिक करने की भी आवश्यकता नहीं है, बट कोई ना, आप इसको अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हो। और जो मेरा ये पार्ट है वेबसाइट के जो पार्ट मेरा था, उसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं, और यहाँ पे डायनेमिक लिंक को पास कर देता हूँ यूआरएल। अब यहाँ पे जो लिंक आ रहा है यहाँ पे इस मेरे इमेज में, वो मेरा डायनेमिक है। लेस में पास करता हूँ मैं, इसी का लिंक पास करता हूँ इस पेज का जहाँ से मैं ये कोड उठाया है, मैंने कॉपी किया, और मेरा ये क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। मैं देखता हूँ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। मैंने स्कैन किया और मुझे ये प्रॉपर वर्क करता हुआ दिख रहा है। आप कोई भी लिंक यहाँ पास कर सकते हो और ये प्रॉपर वर्क करेगा। कंट्रोल वी जनरेट। ओके यहाँ तो मुझे बटन की भी नहीं पड़ी, बट आप इसके अपने अकॉर्डिंग लॉजिक को डेवलप कर सकते हो कि बटन सबमिट पे दिखाई दे या ना दिखाई दे, ऐसे वैसे आप कुछ सब कुछ मैनेज कर सकते हो। मैं लेट्स सपोज भी दिखाता हूँ कैसे बटन के सबमिट पे इसको टॉगल कराना है। तो उसको कर लेता हूँ मैं कॉन्स्ट, एक लेता हूँ स्टेट शो सेट शो, यहाँ कर लेता हूँ मैं इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ कर लेता हूँ मैं एक फॉल्स, बाय डिफॉल्ट से फॉल्स होगा। जैसे कोई सबमिट करता है इसका स्टेट ट्रू हो जाएगा। ओके और मेरा ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं अब जो कंडीशन मैंने यूआरएल पे लगाया था, अब इसको मैं शो पे लगा देता हूँ मैं। जब शो पे कोई क्लिक करता है, आई मीन जब शो होता है, तब ये क्यूआर कोड मेरा दिखाई देगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ मैं, और कोई मैं लिंक ओपन कर लेता हूँ, मैं अमेजन ओपन कर लेता हूँ मैं, और मैंने इसको ओपन किया कंट्रोल सी करता हूँ मैं, और मैं अपने इस यहाँ पेस्ट किया। अभी क्यूआर कोड मेरा जनरेट नहीं हुआ है, मतलब जनरेट हो चुका है बट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं जनरेट क्यूआर कोड पे मैंने क्लिक किया, मेरा क्यूआर कोड दिख जाएगा। अब मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ मैं, और मेरा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो अगर आप देख पा रहे हो तो। बाकी आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो, आई मीन आप भी अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हो।
सो इस वीडियो के लिए सिंपल सा एक छोटा सा मैंने एक QR कोड जनरेटर ऐप बनाया इन रिएक्ट जेएस। सो इस वीडियो के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।